और आज मैं थोड़ा अपना बजट बढ़ा लूंगी। पिछली बार मेरा बजट $10 था, आज मैं 15 कर दूंगी। यार मैं सोचा खा लो तो रोटी एक बार जी। मैं और खाना तो इस वजह से वो पढ़ता रहता है और बहुत अच्छा पढ़ता है वो, आप यकीन नहीं मानेंगे। उसकी रैंडम चीज़ें ढूंढ रही हूँ मैं मेरे घर के लिए। रेगुलर के मुकाबले अच्छी क्वालिटी होती है इनके टॉवल्स की। क्या कुक करूँ, रोज रोज सब्जी रोटी का सोया। अच्छा बर्गर है ये। नमस्कार प्यारे दोस्तों, तो आज के व्लॉग की शुरुआत करेंगे हम रेडी होने से, क्योंकि ज़्यादातर जिस दिन मैं व्लॉग करती हूँ मैं रेडी होना पसंद करती हूँ। एंड वैसे भी आपको रेडी होना चाहिए, यू नो, थोड़ा समय अपने ऊपर स्पेंड करें, अच्छा है। सो रेडी होने से पहले कई बार मैं मेरे आईब्रोज को भी थोड़ा फिक्स कर लेती हूँ, वही टाइम पास, अगर मुझे लगता है कि थोड़ी ज़रूरत है। आज काफ़ी ज़रूरत है पर आज नहीं करूँगी, मैं बाद में करूँगी। तो अगली चीज़ मैं करूँगी सनस्क्रीन। वैसे तो ज़्यादातर जब मैं सुबह उठती हूँ नहाने के बाद जो मैं स्किन केयर करती हूँ तभी मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, पर सनस्क्रीन आपको हर कुछ घंटे के बाद लगाना चाहिए। तो मेकअप से पहले मैं एक बार लगा लेती हूँ क्योंकि वो मेरा लास्ट चांस है क्रीम वाला सनस्क्रीन लगाने का। अच्छी तरह इसे स्प्रेड कर देंगे। पंजाबी में जब आपको गुस्सा आता ना तो आप किसी के चेहरे को बूथा बोलते हैं, तेरा बूथा बहुत सोना, लाइक एवं गुस्से से या यू नो बदतमीजी के साथ। सो मैं हिम्मत को पंजाबी सिखा रही थी तो मैं उसको ना पूछ रही थी बॉडी के पार्ट्स, तो मैंने कहा कि फेस को क्या बोलते हैं, कह रहा बूथी। और मुझे इतनी हंसी आई कि यार मैं ऐसे ही बोल देती हूँ कई बार कि हिम्मत यानी बूथी इधर कर, जब मैं उससे फेस वॉश करती हूँ या कुछ भी। तो उसने फेस को यही याद करके रखा, उसने चेहरा या मुंह नहीं बोला, उसने कहा बूथी। बच्चे आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि आप बोल क्या रहे हो, सो मेक श्योर करें अच्छा ही बोलो। सो नेक्स्ट स्टेप होने वाला फाउंडेशन, मैं यूज़ करूँगी नार्स का नेचुरल रेडियंट। ये मेरे चेहरे पे ना थोड़ा डार्क हो गया है, शायद मैं थोड़ी गोरी हो गई हूँ, आई डोंट नो, या सनस्क्रीन की वजह से कुछ तो हुआ है। सो इसे मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं लगाती हूँ टार्ट का कंसीलर जो कि लाइट है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ना मिक्स एंड मैच होके शेड अच्छा बन जाता है। अब हम वेकेशन पे जाने वाले हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि मुझे अगर फाउंडेशन खरीदना पड़ेगा क्योंकि तब तक बेचारा ये ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा लाइट शेड का लेना पड़ेगा। पर वैसे जब हम वेकेशन पे जाते हैं ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वही वाली चीज़ें यूज़ करूँ जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर आपको पता होता है कि वो शेड आप पे कैसा लगता है, ऑक्सीडाइज होता है या नहीं। नई चीज़ लेके चले जाओ फिर उतने जाके लभते रहो कि अब क्या करें अब क्या करें, फिर मिलेगा नहीं, फिर दुखी हो वो। और की वही चीज़ें मैं लेके जाना चाहती हूँ जो मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझ पर अच्छा काम करती है। सो मेकअप को ब्लेंड करने के लिए ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि ब्रश से बहुत अच्छी कवरेज आती है। देखिए मेरे चेहरे पे स्कार थे ना, तो फिर मैं ब्रश यूज़ कर लेती हूँ ताकि अच्छी कवरेज आ जाए। और ब्रश मैं सिमोर के यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मेरे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। मेरे पास 8 मेकअप ब्रशेस का सेट है बहुत प्यारा सा, जो आपका पूरा मेकअप करने के लिए मदद करेगा। सो डैबिंग मोशन में हम ब्लेंड कर लेंगे। वैसे ये जो कोई मेकअप की वीडियो नहीं है, पर मैंने सोचा कि मैंने बहुत टाइम हो गया कि आपके साथ शेयर नहीं किया कि मैं कैसे तैयार होती हूँ दिन के लिए। सो समय हुआ है 11। आजकल ना मैं आपको थोड़ा सा रूटीन बता देती हूँ आपको, और ऐसे मैं रूटीन की ना बाद में वीडियो बनाऊंगी एक। आज ना मुझे एलर्जी से है, मेरा इच्ची हो रहा है नोज़, और जब मुझे एलर्जीज होती हैं उस दिन मैं ना वीडियो शूट करती हूँ ना ही मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता, पानी इतना निकलता है। पर अब मैंने मेरी एलर्जी की मेडिकेशन खा लिया, शायद ठीक हो जाए और ये वीडियो में सक्सेस हो जाए हम लोग। सो आजकल मेरा रूटीन क्या है उसकी वीडियो एक शूट करेंगे, पर मैं आपको वर्बली बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। सुबह उठती हूँ मैं 6:50 और हिम्मत का मैं लंच तैयार करती हूँ, जो ज़्यादातर मैंने एक रात पहले किया होता है, पर मैं पैक करती हूँ, गर्म करती हूँ और वो हॉट बॉक्स में डालती हूँ। और उसके लिए सुबह सुबह वो हॉट चॉको पीता है वो बनाती हूँ, और हिम्मत नहाता रात को है सोने से पहले, एंड फिर उसको तैयारी करके उन्हें बस स्टॉप पे छोड़ के आती हूँ मैं, क्योंकि अभी इतनी ठंडी है तो मैं चली जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं ना सुबह सुबह ज़्यादा दौड़ फिर नहीं सकती हूँ क्योंकि सुबह मेरी बहुत बुरी होती है, स्टिफ़ होती है, स्पेशल जब सर्दियाँ आ जाएंगी। अभी मैं ठीक हूँ तो मैं छोड़ के आती हूँ उसको, उसके बाद आके गर्म गर्म पानी पी के फिर मैं नहाती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं मेडिटेट कर रही हूँ दिन में 2 बार 40 minutes, एंड देन फिर मैं रेडी होती हूँ दिन के लिए अगर मुझे कोई काम हो, अदरवाइज मैं वीडियो एडिट करना शुरू कर देती हूँ राइट अवे। ज़्यादा बातें बाद में करेंगे। सो बहुत समय हो गया कि मैंने आपको मेरे बारे में बताया नहीं है, ऐसा समझ नहीं आ रहा। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी 32 facts about me,
वो देख सकते हैं अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, नए आए हैं मेरे चैनल पे। पर दो चार तारीफें कर देती हूँ मैं अपनी। बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मैं हूँ मैं या नहीं है मैंने पता नहीं है। और की कहना चाहती है, कुछ तारीफ के वर्ड्स मुझे याद आए थे। सो फाउंडेशन को लगा दी मैंने, मेरे फेस को सेट कर लिया। अब हम आईज को कर लेते हैं थोड़ा सा। आईज के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मैं, सिर्फ यही वाला ब्राउन्जर मेरी आईज पे एज आ आई शेडो यूज़ कर लेंगे। ओके गाइज, मैं पता नहीं कुछ कहना चाहती थी वो मुझे भूल गया है, पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि ना मैं जब भी इंस्टाग्राम पे कोई वीडियोस देखती हूँ या फिर टिकटॉक पे, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग दूसरे लोगों की बातें कर रहे होते हैं। लाइक कि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, हमारे रिश्तेदारों ने ऐसे कर दिया, और लोगों का क्या है, लोग तो आपको बेच के खा जाएंगे। मतलब बहुत सारा वो समय स्पेंड करते हैं लोगों के बारे में बातें करने के लिए कि लोग इदा, लोग इदा, लोग इदा। मैं ऐसा हूँ क्योंकि लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं था, मैं बहुत दुखी रहता हूँ क्योंकि मेरे घर में सारे ख़राब हैं। सो ऐसी वीडियोस आपको आम ही देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बारे में मैं कुछ विचार देना चाहूँगी कि मेरे क्या विचार हैं। इसी आईब्रो पाउडर से मैं मेरा आईलाइनर सा लुक क्रिएट कर लूँगी थोड़ा सा। ओके, सो मैं बात कर रही थी कि बहुत सारी वीडियोस मैं देखती हूँ कि लोग लोगों की बुराइयाँ कर रहे होते हैं कि लोगों ने ऐसा कर दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया। एक्चुअली इस दुनिया पे हम लोग सारे अपनी अपनी डिफरेंट जर्नी लेके आए हैं। कोई अपने रिश्तेदारों से, कोई सिबलिंग से, कोई किसी से, कोई किसी से खुश नहीं है। अगर आप किसी से खुश नहीं है ना, जस्ट इग्नोर। आपको उनको सही करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कर नहीं सकते हैं। यू टेक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ। अगर आपके साथ कुछ भी गलत है वो आपकी वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। हो सकता है कि कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाए, कोई ऐसी चीज़ें जो कि गलत हैं आपके साथ, पर उसमें आपको क्या करना है कि वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। आपको सारी उम्र उस बंदे की चीज़ें अपने दिल पे लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। हील योर सेल्फ एंड फॉरगिव दैट पर्सन, बट डोंट फॉरगेट। एंड उसी के बारे में बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ गलत हुआ है उस बंदे की वजह से हुआ, और लोगों की रिश्तेदार तो इतने अच्छे होते हैं, हमारे ही क्यों बुरे हैं, उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने फलाने रिश्तेदार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। यार सारे लोग डिफरेंट जर्नी पे है। आई डोंट नो दूसरे बंदों की सिचुएशन कैसी होगी, मे बी उसको भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अगर आप बैग उसको सुने और उसके पास सारे आंसर हो कि उसने आपके साथ बुरा बिहेव क्यों किया इस वजह से, राइट, मे बी आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो उनके बारे में बातचीत करने से अच्छा है अपने बारे में बातचीत करें कि आप क्या करना चाहते हैं। लोगों में नुक्स निकालते रहते हैं सारा दिन। हर एक बंदे की कर्मा डिफरेंट है और वो डिफरेंट तरीके की चीज़ें इस दुनिया में करने के लिए आया है। यू कांट बी लाइक बॉस ऑफ एवरीवन। यू आर ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर योर किड्स। नॉट पति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेरेंट्स के लिए नहीं है, सिबलिंग्स के लिए नहीं है। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, दैट्स इट। एक बंदा तो आपसे मैनेज होता नहीं अच्छी तरह, वो है खुद आप। बाकी सारी दुनिया को सही करने के लिए चले हैं आप, एंड मे बी वो बंदा हो ही सही, गलती आपकी हो, यू नेवर नो, राइट। सो इदां दियां फालतू कन्वर्सेशन मैनू नहीं सही लगते। आप ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे अगर हर आपके साथ होने वाली हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद से लेंगे तो, या फिर एक्सेप्ट करके हैप्पी रहें। या दिस इज़ व्हाट इट इज़ लाइक दैट। फेस को सेट कर लेंगे थोड़ा सा ब्लश भी लगा लेते हैं, क्योंकि जब आपके साथ कुछ गलत होता है किसी और बंदे के द्वारा, वो एक्चुअली आपके लिए लेसन है। मेरा ये मानना है कि दुनिया में कभी भी कोई चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता है। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो मे भी उसका भी कोई रीज़न होगा, राइट। सो दुनिया में नुक्स कट कटियाँ करें। आपके साथ मैं शेयर करूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल लिप लाइनर। ये है मॉर्फी का लिप लाइनर, इसका नेम है जिपी। इतना ब्यूटीफुल पिंक शेड है ना ये, आप खुश हो जाएंगे ब्राउन स्किन वाले लोग कि यार वाकई बहुत खूबसूरत लगेगा आपके ऊपर। मेरे ऊपर ठीक ठाक लगता है, पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। यार इन लिप शेड्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी एंड क्रीमी है, अगर आप ये लगा के लिप्स को फिल भी कर लें तब भी मुझे लगता है आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई लिप लाइनर आपके लिप्स को कितना ड्राई कर देते हैं, राइट। ये बहुत अच्छा है, लिपस्टिक जैसा क्रीमी है ये। मुझे नहीं पता था कि मॉर्फी की लिप लाइनर्स इतनी अच्छी गुड क्वालिटी के हैं, रियली डिडंट नो। सब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इससे।
तो आई थिंक आई एम गोना ट्राई मोर शेड्स. एक्चुअली मैंने 2-3 और लिए हैं, वो मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूँगी, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है. लैशेज भी लगाएंगे, पर एक और बहुत समझदारी वाली बात बताने के लिए आई हूँ मैं. पहले चुमकी पहन लेते हैं बालियाँ. वो ये है कि जेलस नहीं करें दोस्तों. जेलस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है आपके लिए, और जेलस से बहुत ही बुरा कर्मा क्रिएट होता है. क्योंकि जब आप किसी को देखते हैं अपने से अच्छा, आपको लगता है कि शायद वो आपसे अच्छा हो, एंड आप अगर खोल के देखें तो मे बी आपकी सिचुएशन उससे ज़्यादा अच्छी हो, यू नेवर नो. क्योंकि लोग वही दिखाते हैं, वो जो भी दिखाना चाहते हैं. अंदर से सबकी लाइफ आप ही की जैसी होगी, थोड़ी बहुत बेटर हो सकती है, बट मे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो. क्योंकि हर बंदे को बताना अच्छा नहीं लगता है, राइट. जेलस कभी मत हो किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि जब आप जेलस होते हैं तो वो आप ही के लिए बहुत बुरा है. एंड वन मोर चीज़ है कि हर एक बंदे की डिफरेंट जर्नी है इस ज़िंदगी में, और कई बार कई लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बट क्योंकि वो उनके लिए बनी है. सो अगर आप सोचें कि यार इसके साथ ये सारा कुछ कितनी इजीली हो गया, मेरे लिए नहीं हो रहा है, तो उससे आप दुखी होंगे और आप जेलस वाला बुरा कर्मा क्रिएट करेंगे. और जब आप ऐसा कर्मा क्रिएट करेंगे और यूनिवर्स को बताएंगे, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा आपको चीज़ें देने में. उसे लगेगा कि यार इन्हें नहीं मिल रही है, मतलब इसको नहीं चाहिए. और हर एक बंदे का जो सक्सेस पीरियड होता है या हैप्पीनेस वाला पीरियड होता है, या जब उनको सारी चीज़ें मिल गई हैं जो आपको चाहिए थी, वो आपको पता नहीं वो वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं. यू नो, वी डोंट नो उनकी जर्नी क्या थी. मे बी उन्होंने कितने ज़्यादा मुश्किल चीज़ें करके वहाँ तक पहुँचे हों. कुछ भी हो सकता है. सो आपको जालस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जालस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. जालस करने से आपको वो चीज़ें मिल नहीं जाएंगी, या फिर रब उससे छीन नहीं लेगा. रब तो उसे देगा ही देगा, अगर जिससे रब ने देना है. सो आपके जालस होने से आपके दिल की, मन की शांति भंग हो जाएगी दोस्तों. सो जालस कभी मत करें. और एक बहुत माड़ा कर्म भी क्रिएट होता है. सो जब आप किसी को सक्सेस होता देखें, या किसी को वो सारी चीज़ें मिलती देखें जो आपको चाहिए थी, हमेशा ब्लेसिंग दें कि आई एम वेरी हैप्पी, लाइक कि उसको सारा कुछ मिल रहा है, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम. और अगर आपसे अपनी जेलस कंट्रोल नहीं होती है, लाइक इट्स टू मच, तो फिर ये कर सकते हैं कि उनको देखें मत, इग्नोर कर दें. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम देखें एंड उसके बाद नेगेटिविटी छोड़े, सैड फील करें, एंड उन्होंने बुरियाँ इच्छा वहाँ पर जे कि ये हो जाए, वो हमें नहीं चाहिए. सो जेलस को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दें, क्योंकि जेलस का कोई फ़ायदा नहीं है प्यारे दोस्त. जेलस आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है. एक और चीज़ बताना चाहूँगी, लोगों में नुक्स कट कटें, क्योंकि लोगों में नुक्स उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो एक्चुअली जिनमें खुद बहुत सारे नुक्स होते हैं. कहते ना, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको वही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो आप में ज़्यादा होंगी. सो अगर आप लोगों में अच्छा ढूंढते हैं, दैट मीन आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. सो जिनमें आप नुक्स निकालते ना, ये बंदे दाओ नहीं चंगा, मेरा मतलब आप में बहुत ज़्यादा कुछ चंगा नहीं है. मेडिटेट करा करें, थोड़ी शांति मिलेगी आपको. लैशेस लगा लेते हैं. हस्बैंड मेरे कहते हैं ना, उस दिन की बॉटी बन के आ जाती है. बॉटी बन के रहा करें, क्योंकि पता नहीं है आज पर मेरा आखिरी दिन हो. यू नेवर नो, इट माइट बी माई लास्ट डे. मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ. सो मेरा मेकअप डन है, एंड मेरा ज्ञान भी डन है. जो मुझे ज्ञान की 3-4 चीज़ें पता है, वो मैंने आपको बता चढ़ा के बता दी हैं. अगर आप इसको फॉलो करना चाहेंगे तो ज़रूर से करें, इससे आपकी ज़िंदगी स्वर्गमय हो जाएगी. अब मुझे भूख लग रही है. वैसे इस समय मैं खाती नहीं हूँ, पर कल पता नहीं की होया हीगा, कल मिलना था, मैंने अच्छी तरह खाया नहीं, कुछ ना कुछ पंगा हुआ होगा. सो मुझे भूख लगी है. सो जब मुझे भूख लगती है ना, फिर मैं किसी को नहीं सुनती, मैं खा लेती हूँ. टेंशन नहीं लेती मैं कि यार खाऊं या ना खाऊं. सो मैं खा लूँगी, एंड उसके बाद मुझे आज कई सारी चीज़ें करनी है. उनमें से वन है, आज मैं जाऊँगी मिशन बेडशीट्स के लिए. मैं ढूंढ रही हूँ मेरे लिए अच्छी बेडशीट्स. प्रेजेंट बेडशीट से मैं बहुत ज़्यादा ना खुश नहीं हूँ यार. मुझे बेडशीट मिली नहीं है. आपने देखा होगा 3 महीने पहले वाली एक वीडियो में बेडशीट ढूंढ रही थी, और उसके बाद मैं पोल गई, फिर मैंने ढूंढी नहीं. सो आज फिर वो दिन आ गया जब मैं बेडशीट ढूंढने के लिए जाऊंगी, और आज मैं थोड़ा अपना बजट बढ़ा लूँगी. पिछली बार मेरा बजट $10 था, आज मैं 15 कर दूँगी. मजाक कर रही हूँ, $10 में कुछ नहीं मिलेगा आपको. ओके दोस्तों, डाउनस्टेयर मिलते हैं. दूजा कैमरा, दूजी मी, दूजी लोकेशन. नमस्कार. दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, एंड मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए
एक परांठी मैं चाहती थी मेरे पति भी खा लें, पर नहीं वो खाएंगे नहीं, वो अपने अलग से रूल बना के बैठे होते हैं। उन्होंने किताब ही डिफरेंट है, वो तभी खाएंगे जब मैं नहीं बनाऊंगी। जब बंदे घर च फूड बना दिया बंदा खा ले, नहीं 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 मैं अपने रूल्स के सब ना खाऊंगा, तो फिर रह जाएंगे बेचारे और क्या। दैट्स इट बहुत। उन्होंने परांठी बनाना से बना के रख दे यार, मेरे मैं सोचे खा लो तो रोटी पर जी। सो हस्बैंड ने मना कर दिया खाना खाने से, तो मैं अपने लिए बनाती हूँ। सो मैंने मेरे लिए नया मामदस्ता लिया है, आई डोंट नो ये कामयाब होगा या नहीं, बट ये ग्रेनाइट का है एंड इसका ये जो है डिफरेंट है, क्योंकि मार्बल वाला टूट गया था फिर से। मार्बल वाले मामदस्ते मुझे लगता है मैंने 3-4 बार तो लिए होंगे, उनमें से 2 बार वो टूट गए और 1 बार मैंने मेरी दोस्त को गिफ्ट कर दिया, और फिलहाल मैं ये यूज़ करूँगी। पर मेरा एंड गोल है जो वो इंडिया में था ना, या जो मैक्सिकन स्टाइल होते हैं वो मैंने सुना है आइकिया से मिलते हैं, सो वो लेके आऊँगी, वो लंबा चलेगा, बट ये उसी जैसा मिमिक करता नहीं। पर यार लेट्स सी कितनी देर ये कामयाब होता है। पर इसका कलर कितना प्यारा है, मेरी किचन के साथ मैच। सो नेल्स नहीं खराब हो तो पेड़ा हम लेंगे चमचे के साथ, ये ट्रिक मैंने मेरी दोस्त से सीखा है। I'm down with self-misery. Your touch is so heavenly. You made a pagan believe. You made a pagan believe. Your touch is so heavenly. So, मैं मेरे लिए अंडे बॉईल कर रही हूँ, अंडे बॉईल खाऊंगी मैं, क्योंकि मैं बहुत ही पौष्टिक रहना चाहती हूँ। एंड कल मैंने अरबी बनाई थी, बहुत मज़ेदार नहीं बनी, पर उससे पिछले दिन बहुत अच्छी बनी थी। एंड हमारे लोकल स्टोर से अरबी मिल गई मुझे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, अदरवाइज आपको इंडियन स्टोर पे जाना पड़ता था। आई थिंक ये सेव ऑन फूड में पड़ी थी अरबी, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अरबी रखेंगे थोड़ी सी और एंड थोड़ी सी और। मुझे अरबी बहुत अच्छी लगती है, आई डोंट नो व्हाई। इंडिया में जब हम थे ना तो अरबी के पत्ते के पकौड़े खाते थे, पतेड़ा बोलते थे हम लोग। और समा हो गया मैंने खाया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पत्ते गर्मियाँ या बरसात के मौसम में आते हैं, सो या नहीं खा पाए दुख। सो सैलड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं खाने वाली हूँ ककम्बर एंड थोड़ा सा ग्रीन्स एंड इस पर पूरा लाइम। मुझे लाइम का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है एंड लाइम में एक रिफ्रेशमेंट देता है। मुझे लगता है कि लाइम ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है लेमन के मुकाबले, बट लेमन का भी अपना इम्पॉर्टेंस है, उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। पर सैलड्स पे पानी लाइक नींबू पानी में, उन सारी चीज़ों में मुझे लाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली अगर हम मैक्सिकन बना रहे हैं लाइक सालसा बना रहे हैं या फिर ग्वाक बना रहे हैं, उसमें सब में लाइम बहुत अच्छा लगता है। एक और अच्छी टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप कुछ खाते हैं ना, काली मिर्च थोड़ी सी ज़रूर डालें, क्योंकि काली मिर्च सुपर फूड है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये। लाइक दही में डाल के खाएं, अपनी रोटी में डाल सकते हैं, सैलड पे डाल लें। काली मिर्च वन ऑफ द बेस्ट 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 चीज़ें हैं। और ये ना कॉस्को की, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, इन्हें बार बार खोल लो, मज़े डाल लिया है। काली मिर्च को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर से शामिल करें। आई थिंक वो स्किन के लिए भी अच्छी होती है, देखना पड़ेगा क्या क्या बेनिफिट हो। लाइम भी बहुत अच्छा होता है। बेसिकली मैं सारी अच्छी चीज़ें करती हूँ। रोटी बनी है, एप्रन को उतार दे, एप्रन बेचारा ना गंदा हो गया, धोना पड़ेगा मुझे। वैसे ये एप्रन का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, मैं सोच रही हूँ कि 1-2 और डिफरेंट कलर्स ले लूँ। आपके क्या विचार है, अच्छा आइडिया है। खाना मैंने शुरू कर लिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्ड बटन ऑन किया पर नहीं किया था। सो अरबी खा रही हूँ मैं एक फुलके के साथ, एक अंडा खा लेने का। सो मैंने बॉयल अंडे खा रही हूँ मैं, वैसे मैं 2 खाती हूँ, आज मैं 3 खा रही हूँ, क्योंकि आपको 3 खाने चाहिए, क्योंकि मैं येलो पार्ट नहीं खाती हूँ, प्रोटीन ही खाती हूँ। पर एक अंडा मैं होल खा लूँगी, और बिकेज मुझे भूख ज़्यादा लगी थी तो मैंने इसका कुक होने का वेट नहीं किया, थोड़ा कच्चा जैसा यही है। पर मुझे मेरे अंडे अच्छी तरह बॉयल अच्छे लगते हैं। और ये है मेरा सैलड एंड कल का लेफ्ट ओवर ये राइस बचे हैं, थोड़े से इसमें करी है सिर्फ, वैसे बाकी राइस ही है। एंड इसे भी खाऊंगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे राइस बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ऐसे ही आराम से खा लेते हैं एंड आपको मैं टेस्ट करके दोबारा से बता देती हूँ 3री बार।
आज भी पिछली बार बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी, जिसके चक्कर में मैंने दोबारा से फिर इतनी जल्दी बना ली, पर आज जो ठीक ठाक है। हिम्मत की बुक पड़ी है यहाँ पे, आई थिंक ये हिम्मत लाइब्रेरी से लेके आया है अपने स्कूल की। एंड मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि हिम्मत हमेशा बुक पढ़ता रहता है खाते समय भी, एंड काफ़ी बार हमने उसे बुक पढ़ते हुए देखा है, उसको इतनी अच्छी आदत कैसे लगी। सो शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं बुक्स पढ़ रही थी और उसे मुझे कॉपी करना था जो भी मैं कर रही हूँ। सो वो कॉपी करता पढ़ता था, फिर मैंने सोचा कि यार इसको मैं ऐसी बुक ले के देती हूँ जिससे इसे इंटरेस्टिंग लगे। सो फिर मैंने उसको ये डॉग मैन बुक ले के दी एक दो, तो फिर उसका इंटरेस्ट बन गया। जब भी मैं पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ तुम भी पढ़ो, अपनी बुक ले के आओ। सो अब उसे इतना इंटरेस्ट बन गया कि उसने ऐसी मुझे लग रहा 10-15 खरीद ली हैं ऑलरेडी। एंड जब वो लाइब्रेरी से भी यही लेके आता है, एंड उसे अब इंटरेस्ट बन गया है ऐसे नकली फेक करते करते। सो इस वजह से वो पढ़ता रहता है और बहुत अच्छा पढ़ता है वो, आप यकीन नहीं मानेंगे उसकी उम्र के हिसाब से। इतने मुश्किल वर्ड्स भी वो पढ़ लेता है, लाइक साउंड आउट करके प्रनाउंस कर लेता है बहुत अच्छी तरह। मुझे याद नहीं कि हमने कब अच्छी तरह रीड करना शुरू किया था, मुझे लगता है बहुत 5th और 6th grade में अच्छी तरह पढ़ना शुरू किया होगा सारी। ओके दोस्तों, 4:30 हो चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो शूट की थी आई थिंक 11:30 थे, उसके बाद मैंने एक वीडियो शूट की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं अपने बैग में क्या क्या रखती हूँ, व्हाट्स इन माई बैग। होपफुली वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर होगी। आउटफिट मैंने इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि थोड़ी ठंडी हो चुकी है, वैसे तो 22 degrees है बट बाहर धूप नहीं है तो थोड़ा चिली लगता है। सो मैंने ये बहुत प्यारी स्वेटर शर्ट पहनी है जो कि है Forever 21 से। जब मैंने ली थी आई थिंक ये मीडियम में तो बहुत बड़ी लग रही थी, मुझे लग रहा है मुझ पर आएगी नहीं, पर अब मुझे ठीक लग रही है। इसके साथ मैंने ब्लैक स्किनी जीन्स पहनी है जो लास्ट टाइम गैप से लेके आए थे। एंड अब मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी। सो अब मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा गरम गरम डबल कॉफ़ी का कप, एंड उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी। मैंने आपको अलियर बताया था कि मैं ब्लैंकेट नहीं बेडशीट के लिए जाना चाहती हूँ, और मुझे अगर अच्छा सा डुएट मिल जाए वो भी मैं खरीदना चाहती हूँ, इंसर्ट एंड कवर भी हो सकता है, या फिर मैं मेरी वेकेशन तक का वेट कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ से मैं ले सकती हूँ, पर देखते हैं। पहले हस्बैंड मेरे साथ आने वाले थे बट अब उनका प्लान चेंज हो गया है। एंड वीडियो शूट करने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा एडिट करना मैंने शुरू कर दिया था उस वीडियो को, पर मुझे ना अचानक से नींद आनी शुरू हुई। कल रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई है IC, जो कि ऑलमोस्ट एवरी डे की बात है। एंड फिर मैं सोने के लिए चली गई, सो हस्बैंड हिम्मत को लेके आए, उन्होंने हिम्मत को फीड भी कर दिया, पर इन दोनों ने शोर इतना मचाया कि आप सो नहीं सकते हैं, नहीं सो सकते हैं इन दोनों के साथ। हिम्मत हस्बैंड को बता रहा था कि जब मम्मी सोती हैं तो मैं ऐसे पीस रखता हूँ, टीवी ऑन करता हूँ तो आवाज़ धीरे कर लेता हूँ, पर हस्बैंड सुनते ही नहीं। और एक और बात बताना चाहती थी मैं, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि आपको कभी भी किसी के साथ कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगा कि वीडियो बहुत ज्ञान वाली हो जाएगी, है ना, इतनी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक ही वीडियो में ना यान कैसे बचेगा। ओके सो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बेड बाथ एंड बियॉन्ड, पर रैंडम चीज़ें ढूंढ रही हूँ मैं मेरे घर के लिए। तो बेसिकली मैं आई हूँ रजाई लेने के लिए एंड उसका कवर, और अगर कोई अच्छी बेड शीट्स मिले, एंड चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं मुझे। स्टोर से भी मैंने वो चीज़ें ले ली हैं जो मुझे चाहिए थी, लाइक वो अचार पानी के डालने के लिए पिद्दी सा मर्तमान, और कुछ कैंडल्स दिवाली के लिए क्योंकि एंड मोमेंट पे मैं भूल जाती हूँ। ओके सो बेड बाथ एंड बियॉन्ड से मुझे रजाई मिल गई है। रजाई मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद चेंज की है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार रजाई ली थी होम सेंस से, वो भी मैंने अच्छी महंगी वाली ली थी, पर उसने बहुत अच्छा सामान निकाला। अभी भी वो अच्छी है बट मुझे लगता है कि वो छोटी है। आज तक मैं यही सोचती रही कि वो किंग साइज है, बट ऑलराइट मैं बता रही थी कुछ, बैटरी बंद होगी, गल मेरी बैटरी पूरी होने नहीं देती है। सो मैं बता रही थी कि मैं यही सोचती रही कि जो मेरी रजाई है वो किंग साइज़ की है, बट एक्चुअली वो क्वीन से थोड़ी बड़ी है, पर क्वीन भी नहीं थी क्योंकि मैंने क्वीन कवर लिया, वो अंदर से फोल्ड हो रही है। सो लास्ट टाइम जब हम इंडिया गए थे तो मैं मेजरमेंट करके 2 कवर सिलवा के लाई थी, जो कि आज तक मुझे बहुत अच्छे लग रही, इतना अच्छा कॉटन है वो। सो वेन एवर वी गो इंडिया मैं दोबारा से 5-7 बनवाऊँगी अच्छे अच्छे कॉटन के, चिट्टे जैसे मुझे अच्छे लगते हैं। सो या रजाई ली है मैंने,
मुकदी का लाए हैं, मुझे अच्छी लगी है क्योंकि रजाई जो हम लेते हैं डोएट वो मुझे थोड़ी हल्की फुल्की अच्छी लगती है, जो कि गर्म भी हो और ठंडी भी हो, बहुत ज़्यादा हैवी हॉटेस्ट नहीं मुझे अच्छी लगती। सो ये बहुत परफेक्ट, ये पता नहीं परफेक्ट है या नहीं, जो मेरे पास थी वो परफेक्ट काइंड की थी। सो फार ये काम किया है मैंने एंड अब मैं जा रही हूँ पार्क में, क्योंकि हिम्मत एंड हस्बैंड पार्क में पहुँच चुके होंगे अराउंड 5:15 एंड 6:15 हो रहे हैं, और थोड़ा समय उन दोनों के साथ स्पेंड कर लेती हूँ। पहले तो मैं लेके आई हूँ 2 चाय पीने वाले कप, जो कि मेरे पास ऑलरेडी हैं, उसी के साथ मैच करते हैं, पर इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसका साइज़ थोड़ा छोटा एंड डिफरेंट है, पर मुझे ऐसे कप बहुत अच्छे लगते हैं, ये थोड़ा चाय पीने के लिए और कॉफ़ी के लिए, जिसमें आपको विजिबली दिखता है कि कैसी लग रही है चाय या कॉफ़ी। सो ये 2 लिए हैं मैंने, मेरे लिए और पति। ओके, आई कैन शो यू द डिफरेंस। सो जो मेरे पास है ये गंदा एंड ये, सो मुझे लगता है ये उससे छोटा गोल एंड थोड़ी सी शेप डिफरेंट है। सो ये मैंने बैड बाथ एंड बियॉन्ड से लिया, और ये मैंने लिया था कैनेडियन टायर से, और ये मुझे लगता है मैंने कप लिया था टोरंटो से। सो दिवाली के लिए कैंडल्स ले ली हैं मैंने ऑलरेडी, क्योंकि एंड मोमेंट पे मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे ऐसे नज़दीक से रेगुलर प्राइस पे लानी पड़ती हैं। सो ये इतनी इनफ होंगी और मैं कुछ दिए भी जलाऊंगी। सो या ये कैंडल्स लिए मैंने। ओके, इस घर में हमारी पहली दिवाली होने वाली है, मोस्ट प्रॉब्ली हम हमारे दोस्तों के घर जाने वाले हैं, पॉटलक करेंगे उस दिन कि सारे कुछ ना कुछ कुक करके जाएंगे, सारे इकट्ठे खा लेंगे, गेम्स कर लेंगे, ऐसे फन हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा यही प्लान है। सो ये वाले पिद्दे जार लिए हैं मैंने 2, वैसे मुझे एक ही चाहिए था, फिर मुझे लगा कि 2 का जोड़ा होगा तो अच्छा है ना, इसमें कोई और अचार डाल लूँगी, इसमें मैं वो नींबू का अचार डाल दूँगी, इसमें एक तो खूबसूरत लगता है, एक इनाफ सभी को इक्वल रस मिलता है, अदरवाइज़ वो बेचारे ना फ्लैट है और मज़ा नहीं आ रहा। सो इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी इनको वॉश करने के बाद। एंड देन मैंने कुछ हैंड टॉवल्स लिए हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैंड टॉवल्स हैं, और इन पे 50% ऑफ था बेड बाथ एंड बियॉन्ड पे। 2 काले रंग के लिए हैं मैंने, एक्चुअली इन्हीं गुड क्वालिटी के टॉवल मैंने बाहर नहीं देखे, ऊपर से इसका टेक्सचर ऐसा है, अंदर से ऐसा, और मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैंड टॉवल्स अच्छे लगते हैं किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आदत है हाथ बार 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 धोने की। सो जब ऐसी क्वालिटी के होते हैं ना, तो फिर आप अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं, और बिकॉज़ मेरे घर का थीम काला काला है तो काला मुझे मैंने ले लिया, और काला मुझे लगता है कि किचन के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है ना, कि इतना गंदा दिखता नहीं है लाइट्स के मुकाबले। सो 2 लिए हैं मैंने, एंड एक और चीज़ ली है मैंने, ब्लू कलर के हैंड टॉवल्स लिए हैं 2, और ये मैंने लिए हैं मेरा पाउडर रूम के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो डिकोर किया है उन पेंटिंग्स में ब्लू है, सो ये उसको मैच कर देगा, और इसका भी अच्छा साइज़ है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी, रेगुलर के मुकाबले अच्छी क्वालिटी होती है इनके टॉवल्स की, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ अगर खरीदो ना तो आपको बार बार खरीदनी नहीं पड़ती। ऐसे मेरे पास टॉवल और हैं जो 10 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए, अभी भी वैसे के वैसे हैं, रंग फेड हो गए पर बाकी कुछ उनका हिला नहीं है, लाइक कोई सिलाई नहीं उधड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये लिया है मैंने, बहुत स्टोरी बता दी इसकी। सो अदर चीज़ मैंने ली है, ये बहुत ही प्यारा सा डुएट, मैं एज आ रजाई यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो रेगुलर क्विल्ट होती है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत पतली है यहाँ पे जो मिलती है, ये अच्छा होता है, ये इसका लाइक साइज़ अच्छा होता है और कम्फर्ट अच्छा होता है, अगर आप इसको ऐसे ही समर वाले डेज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शाम को ठंड हो जाती है, और अगर आपको लगता है कि आपको विंटर में बहुत ज़्यादा कोज़ी चाहिए तो इस पर मैं कोज़ी वाला कवर चढ़ा देती हूँ, तो फिर ये बहुत गर्मा गर्म हो जाती है। एंड जो मेरे पास थी, जैसे मैंने आपको बताया, क्वीन साइज़ थी, और मैंने ये ली है, जब मैं बिछा दूँगी ना बेड पर मैं आपको बताऊँगी कैसी लग रही है। सो इसका रेगुलर प्राइस है $330 की है, बहुत महंगी राइट, एंड मुझे मिली है $170 की मिली है। पति पार्क से मेरे साथ आ रहे थे, पर वो गली में नेबर्स के साथ गप शप लड़ाने के लिए लग गए, और हस्बैंड जब गप लड़ाने के लिए लग जाते हैं फिर उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबी गप मारते हैं वो, गप मतलब बातें करेंगे, गपा मतलब कि फेक फुकरियाँ नहीं, बातें करना उन्हें बहुत अच्छा। सो यार दैट्स दैट, आई होप यू एंजॉयड माय कन्वर्सेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी कन्वर्सेशन करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें मुझे आती हैं, बेशक मैं यूज़ करूँ या ना करूँ पर मुझे सब कुछ पता है, वैसे सबको सब कुछ पता होता है पर यूज़ करने में थोड़ा टेल कर लेते हैं हम लोग राइट। और अगर हिम्मत बाहर अब प्ले करना शुरू कर दिया, उसे मैंने 20-30 मिनट दूंगी, उसके बाद उसे पढ़ाना है मुझे। सो ये है मेरा ब्यूटीफुल बेडरूम, यहाँ पे मैं आपको क्यों लेके आई हूँ,
उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, रजाई खोल के दिखानी मैंने, और मैं खुद भी देखनी हूँ। नवी रजाई का चाय बहुत होता है, आई डोंट नो आपको होता है या नहीं, मुझे होता है। रजाई से ज्यादा मैं रोई रो ले रही हूँ ना, हजारों सालों के बाद लिए मैंने। वाह यार, ये कवर्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा था कि ये ब्लू आ, मैं सोच रही थी ब्लू यार ले लिया मैंने, पर ये ब्लैक है। दिस इज गुड, दिस इज गुड। ओके, सो ऐसा लग रहा है फिनिश लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताना। एक और पिलो लेके आती हूँ ढूंढ के। ओके गाइस, फिलहाल के लिए मैंने कुछ कुक नहीं किया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुक करूँ। रोज रोज सब्जी रोटी का कार्य करके ना परेशान हो गई हूँ मैं। हस्बैंड कह रहे हैं कि वो सिर्फ स्वीट पोटैटो खाएंगे, एंड हिम्मत के लिए थोड़े राइस है, और मेरे लिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं बर्गर खा लूँ। वैसे मैं बर्गर बहुत रेयर खाती हूँ, शायद मैं बर्गर खाऊँगी आज। आज वो मज़ेदार दिन आने वाला है जिस दिन मैं बर्गर खाऊंगी। ओके, जो मैंने पेंटिंग बनाई थी ना अर्लियर, उसको मैंने वहाँ पे लगा दिया। उसके नीचे वो पौधा रखा है, वो वहाँ पे नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा, बट फिलहाल ऐसे मैंने टशन मारने के लिए वहाँ पे रख दिया है। मैं जाऊँगी मेरी क्लास के लिए, हस्बैंड को आवाज़ मारनी पड़ेगी क्योंकि 6 मिनट में क्लास है। एंड दूसरी चीज़ है कि अब मैं आपको मेरे डिनर के साथ मिलती हूँ, क्या मैं खाऊंगी या मैं क्या नहीं खाऊंगी। बेशक मैं खाऊंगी ना, स्किप भी कर देती हूँ, मैं भूखे रह लेती हूँ। ओके, सो हम लोग पहुँच गए हैं A&W में। मुझे आजकल A&W के बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली चिकन हैबनारो, यही है ना, हैबनारो। मुझे इंट्रोड्यूस किया मेरे एक दोस्त ने, तब से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं बर्गर पूरा फिनिश नहीं कर पाती थी कभी भी, और इसकी जो पैटी है बहुत ही ज़्यादा थिन एंड स्लिक है, सो वो आप खा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा चंकी चिकन के पीसेस नहीं खा सकती हूँ। जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे ना, तो मुझे वेजी बर्गर फ्रॉम हंगरी जैक्स बहुत अच्छा लगता था, वो भी वैसे बहुत बड़ा था, मुझसे फिनिश नहीं होता था, सो ऑर्डर कर दिया मैंने। वैसे मैं यहाँ पे बैठ के खाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे गर्म फूड अच्छा लगता है, पर पति ने अपना पंगा वा दिया कि नहीं मैं अभी तेरा ना खाऊँगा, बला बला बला, तो घर लेके जाएंगे, उनके साथ खाएंगे। सो ये है हिम्मत का क्यूट सा, लुक एट दिस टाइनी ड्रिंक। गाइस, वी आर हैविंग ए एंड डो फॉर यू। ओके, सो घर पहुंच गए। वैसे मैं वहाँ पे बैठ के खाना चाहती थी, पर पति की सैड चेहरा मेरी अखा सामने आ गया था। मैं सोचा हाँ पति ना खाने लाइक नहीं मी, सो या अच्छा बर्गर है ये। दोस्तों, सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं ना, प्लीज़ कमेंट बार में कुछ ना कुछ बताया करें, क्योंकि फिर मुझे मज़ा आता है कि आपके व्यूज़ मुझ तक पहुँचते हैं। अगर आप चुप करके गूंगों की तरह देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। प्लीज़ कमेंट करा करें और वीडियो को लाइक करा करें, एंड मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और अगर आपके पास रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप घर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं कैलगरी में या ऑनटेरियो में, अल्बर्टा में या ऑनटेरियो में, मेरे हस्बैंड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको बहुत ही मज़ेदार घर ढूंढ के देंगे। उनका सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें प्लीज़। एंड दैट्स इट, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। एंड कल मिलती हूँ मैं आपको, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, ईजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी।